उठा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। आप कह रही थी मैं मंगवा लेंगे, मंगवाए ना जरा, आज मैं देखती हूँ आपको, मंगवाए डब्बे, दो डब्बे मंगवाए। नहीं मैं तो रिक्वेस्ट यहाँ करूंगी ये लोग पहुंचा दें बादशाह सलामत के, प्लीज चाय के बगैर तो दिमाग। अगर तो कोई टास्क हमने अच्छा कर लिया तो उसमें शायद मिल जाए। मैंने तो सिर्फ अंडा खाना। वो तो हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए आपका अंडा तो हो जाएगा, डोंट वरी। हमारे टाइम से नाश्ता तैयार होगा इंशाल्लाह। वैसे ये अच्छा है नेहा, जल्दी नाश्ता डालना है आपका, जल्दी खाओ फारिक, राइट? बस ओट्स आ जाते ना मजा आ जाता, वो भी ऐसी पानी में डाल लेती मैं। हां ना, कॉल करो पूछो कब पहुंचेगा डिलीवरी बॉय। मैंने कहा था खाना खा पछा पक गया था। नहीं पापा क्या होता है, खाने को हाथ नहीं लगाया, बहुत गर्म है उसको हाथ नहीं लगाया। तैयार है, चाय रेडी है, ये अभी करने हैं हमने। क्या क्या दूं? अभी नहीं डालो ना, पार्टी से भी उड़ दो। सुनो एक और फ्रेम में रख लेते हैं, अभी सिचुएशन ठंडे हो जाएंगे, अभी सिचुएशन नहीं हो। कल हमने भी साथ साथ ही किया था। अरे तो साथ अभी नहीं शुरू हुआ ना, अभी आटा गूंदा है, बहुत फ्रेश आटा है, वो रोटी टूटेगी खराब होगी। अरे आंटी को छोड़ दो, सुनो पराठे यूं फैल जाएंगे, इतनी टेंशन ना लो। कल वाले पराठे याद है तुमने खाए थे? चलो बनाओ। नहीं लेकिन अभी पराठे फैल जाएंगे, रुक जाओ 10 मिनट फ्री थोड़ा सा। वो यही कह रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ बनाओ भाई, छोड़ो कल वाले पराठों को क्या मसला, ले नहीं सकेगी वो। राने जो तुम तैयार हो क्या है ना, ये मुझे आता नहीं, तुमने आज गेम ही चेंज कर दिए ब्रो। रंग राने ने कहा कौन सा रंग रह गया बताओ, वो कौन सा है वो रंगो रंगी रंगी है तू, रंगों से भी ज्यादा शोक रंगती है, रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। रंगी है तू, रंगों से भी ज्यादा शोक लगती, और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मैं जब सुबह उठा ना, सुबह सुबह कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे भी इसको मैं चाह रहा हूँ, जो कोशिश करता हूँ तभी। कौन कौन बोलता है मुझे, काफी लोग हैं क्या डेंजर जोन में? अच्छा मैंने कहा सुबह बहुत लोग एक्स्ट्रा बोल, मैंने कहा सुबह कुछ लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं उनका पता। अभी नहीं भाई तुम्हें करना, जाओ मतलब बाहर चले जाती हूं। नहीं यार नहीं, हां शीशा लगा पे जाओ बैठो, वो रहा शीशा और बैठे हम आपको खाना सर्व करवाते हैं। नाश्ता कर चुकी थी, नाश्ता कर चुकी थी, नाश्ता खाने की जल्दी क्या थी? तुमने तो नाश्ता भी कर लिया, हमारा वेट भी नहीं किया। मेरी बात, हमें ज्यादा नाराज होना चाहिए, तुमने तो नाश्ता भी कर लिया, हमारा वेट भी नहीं किया। जो बात है ये, इसको जो बैठ जाओ करके भेजा तुम्हारा खाना, सुबह सुबह ये तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। अच्छा मैं वहाँ बैठी हूँ, नहीं नहीं तुम जाओ, यहाँ नहीं कोई खाएगा। तुम नहीं जाती, उसने तो तुम्हारा ख्याल किया था, मेरा ख्याल ही करो, मैं इधर ही बैठूंगी, मेरा ख्याल करो, बैठो आगे, मेरा ख्याल करो, मेरी जरूरत तुम्हारी लिए, तुमने कर दिया। अगर मिशेल को गुस्सा चला ना, वो पैदल यहाँ से केटू चली जाएगी, जाके मुक्के मारेगी।
हम आपके सामने भी आ जाए, आपकी शक्ल हमारे थ्रू दिखेगी, हम एक्सरे बन जाएंगे, आपके चेहरे पे इतना नूर है। नहीं नहीं, वो तुझे नूर है आंखों से देख लेगा कैमरा के थ्रू। अच्छा तुझे करंट लगेगा तो आएगा, हमारी औकात जाए काम करें, वो बोला आ जा मैं यार काम पूरा करके हाथ मुंह धोए भैया बातें करने के, इनको देखने के लिए टास्क के दौरान कह रहे बातें कर रहे हैं मस्त मलंग। आपको पता है मैं भी बादशाह इनकी शिकायत, अरे तुम बातें नहीं करो टास्क छोड़ो। नहीं बादशाह जब चले गए नाराज हो गए, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा था कि मेरी और उमर की सुलह हो गई है, मैंने कहा ये मौका है खुशखबरी देने का। I'm sorry, लेकिन मेरी ना वो मेरा मतलब वो नहीं था ये, और कहता है मैं जो बोल रहा था ना मेरी और उमर की सुलह हो गई है, कि ना हवार हो गए एकदम से, वो एक इंसान का ट्रिगर हो जाता है ना, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, ये सीखने की उम्र उनकी जा चुकी है, अब हम उनको सिखाएंगे भी तो वो नहीं सीखेंगे। ये तब सिखाने वाली हरकतें थी जब ये 4-5 साल के थे, कौन सी तब अगर किसी ने सिखाई तो बीच में नहीं बोलते, बीच में ना बोल, अब तो आप सीखेंगे भी नहीं, हम जितना मर्जी आपको दोस्ती यारी में प्यार हो मेरे बारे में खेलियो तो आप मेरे बारे में खेलियो जनरली, चलो आप जनरली कह रही है मेरे बारे में। सबसे फनी चीज, सॉरी बादशाह प्लीज वापस आ जाए, पीछे से एक लड़का बोलता है हमें आपका ये एटीट्यूड जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने फौरन कहा लड़की जी क्या बोल रहे हो, एटीट्यूड नहीं बोला था मैंने, इसको इसका डायरेक्ट करके बोला बिहेवियर था, आपका ये बिहेवियर हमें भी अच्छा नहीं लगा। अरे भाई नहीं, रिएक्शन रिएक्शन बिहेवियर बिहेवियर कहते हैं, हमें भी आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। और मैं यूं देखा, मैं से कराऊं नहीं बिहेवियर नहीं रिएक्शन बिहेवियर, गलती से पूछे भी कहेंगे क्या ब्रो मुझे उर्दू क्या बोल रहे हैं। मैंने फौरन बोला मैंने कहा क्या उर्दू का दिमाग में ला रहा था आ नहीं रहा था तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। नहीं आप चेक करवाएं ये टीवी में चलेगा चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमारा तेरी किस्मत होगी मार, खेल खेल में कर दे वार, पीछे पलट के देखना यार, जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार, एक बार अब इस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले, डोंट यू डेयर नहीं खेलेंगे ये फिर, तेरे हर सीक्रेट को करेंगे शेयर, देख तमाशा इनका प्यारे, करीना ट्रस्ट सब पे सारे, सोच समझ के जरा बच बच के, डस गया जो तेल की कस के, Let the games begin. देख तमाशा सामने आ जा, देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा, देख तमाशा सामने आ जा, देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। सफाई करके इसके अंदर धो के चली गई। बुलाएं जरा निदा को, इसको तो मैं जरा ठीक करूं। ये क्या हरकत की है इसने? क्या हुआ क्या हुआ निदा? क्या हुआ? तुम ये धुले हुए इसके अंदर मैं चावल पहनने लगी हूँ, तुम ये कपड़ा धो के चली गई? नहीं नहीं कपड़ा कपड़ा नहीं धोया मैंने। क्या धोया था? कुछ भी नहीं धोया मैंने। तो इसके अंदर ये धनिया चावल धनिया तो फाटे ही नहीं है। दिमाग का डॉक्टर भी भेज दे अंदर अगर हो सकता है। साइकेट्रिस्ट भेज दे प्लीज। अब वो बोलेगा दिमाग आपका सही नहीं है, बोलेगा दिमाग भी भेज दे, ये तो काम नहीं कर रहा भाई। उसके बाद शायद खत्म हो गया, हिंदू बंदर ही भेज दे इनको देखने के बाद वो चीज। हिंदू बंदर नहीं पता हैदराबाद में, हैदराबाद में हजार रुपए थे हॉस्पिटल, वहाँ ही रहते थे पहले। नहीं नहीं वहाँ मैं डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं लग नहीं रहा, आजकल मैं छुट्टी से भागे हो। डॉक्टर भागता ही है वहाँ से जब ऐसे पेशेंट होते हैं, पर यहाँ से मैं पेशेंट भगाऊंगा। ठीक है राने पीएचडी है भाई, कलरफुल चीज देखिए, कलरफुल चीज देखिए, सब वेल नॉलेज सब वो वाले ना यही कहते हैं पीएचडी। मेरी कसम से ये है, सबके डिफरेंट मूड्स चल रहे हैं, सब अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं, मुझे तो कोई भी नहीं समझ में आ रहा। एवरीबॉडी इज डिफरेंट यार, सबको एक जैसा मूड रखना चाहिए, कभी किसी का कोई मूड हो जाता है, कभी हाँ, कोई हो जाता खुद है। दोस्त बन जाएंगे खुद अचानक से, खुद ही अपने दिलों में दुश्मनियाँ डाल देंगे, कभी कभी पॉजिटिव बिहेव करेंगे, कभी नेगेटिव बिहेव करेंगे। मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ में। हाँ और तुम भी जैसी हो तुम वैसी ही हो उस दिन से।
अपनी मर्जी होती है तो सामने आके गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी होती है तो हमारे खिलाफ बात भी। आई डोंट नो, ये तो खैर मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, मुझे नहीं पता करते भी हैं या नहीं करते, नहीं लेकिन वो एटीट्यूड बता देते हैं। अरुबा इज लाइक, अरुबा इज लाइक कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यूं लग गई है, मैं बदले लेकिन मैं शो में ही बदला लेके जाऊंगी और ये मेरी नींद पड़ गई। उसने मुझे सुबह दिखाया, कोई खास नींद नहीं थी, हल्का सा यहाँ पे बहुत रेड रेड सा हल्का सा जरा सा कुछ हुआ है यहाँ पे एक जैसे। तो क्या मैं भी बदले लेके जाऊँ फिर, पता नहीं कहाँ कहाँ और लगे हुए हैं मेरे। बट इट्स योर डिसीजन ना, अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपने रफ खेलना है, आपने रफ खेला है, इट वॉज योर डिसीजन, है ना, इट वॉज योर डिसीजन, नोबडी फोर्स यू ना। वो टास्क था, वो तो आपको करना था, और अगर आपको लगता है ऐसा होगा आप ना खेलें, टास्क ना खेलें, उतना रफ ना खेलते, बकाया लोगों ने उतना रफ नहीं खेला, उन लोगों को नहीं लगी। बहुत ज्यादा ये अपने हिसाब से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं अब बात करने वाली किसी से। हद होती है यार, आप दूसरे बंदे को फेक बोल रहे हो, दूसरे बंदे को नेगेटिव। हाँ, वो जैसी पहले दिन से है वैसी ही वैसी है, उसके मूड्स नहीं हो रहे, अभी बात करने को दिल कर रहा है तो गप्पे मारने शुरू कर देनी है, अपनी बातें डिस्कस करनी है, अपना दिल नहीं कर रहा है तो इवन वो आपसे गप्पे भी मारते तो वही वैसी ही बात करती है जैसे वो बात करती है। जी मैं समझ सकता हूँ, कल से इसकी दिमागी हालत जो है वो खराब है, तो प्लीज कल इसने कुछ देख लिया था तो उसके बाद से इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ है, आप माइंड मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तो फिर डॉक्टर तो नहीं, क्या मतलब है अल्लाह हाफिज़ क्या मतलब, तुम्हारे घर से फोन था, बहुत गलत बात है ये, मीठे याद आ रहे रह रहे के अमरती देखा क्या ये, ये बताएगी आपको। अच्छा अच्छा, अगर मैं पागल हूँ तो सही कौन है यहाँ पे, प्लीज हाथ उठा के बताएं। नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ। आपको बताता हूँ, कल आप आखिरी बची थी अपनी टीम में, आखिरी बची थी, उन्होंने कहा सबसे पानी का लेवल कम किसका है, उन्होंने कहा जी नताशा का। अच्छा से कहते हैं नहीं, मैंने कहा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कहता है वो स्क्रीन पे आ गया था रिएक्शन मेरा, वो लगेगा ये कट लगेगा, ये जान के करता है, ये जान के करता है। मैंने कहा इतनी ओवर एक्टिंग ब्रो, ये करता है। सॉरी नताशा जी, आपको दुनिया कहता है, हां तो ज्यादा क्या नहीं बोलना है जी, राणे जी आपको दुनिया जानती है हमको नहीं। अच्छा फिर राणे जी फिर क्या होगा, आपको जान गई है दो दिन के अंदर ही, आप टेंशन ना ले, आपको जान गई है जो आप यूं-यूं करते जा रहे थे ना, दुनिया को जन्माने के लिए आपने ये दो दिन में जो किया है ना। नहीं नताशा कल यूं करता जा रहे थे ना, बहुत कुछ बाकी है, क्यों मेरे तो अरे कहाँ गया तुम्हारी पाजा पक्के चला गया। आज पूरा पूरा दूध था, सुबह की चाय में दूध मैंने नहीं डाला, अरुबा ने डाला, अरुबा ने डाला नए डिब्बे में, इतना सा मैंने इस्तेमाल किया था। अब वो यही है ना कि वो इतना और उतना हम तो नहीं बता सकते ना कितना था, अभी शाम में काम आ जाएगा। अभी मेजरिंग सिलेंडर तो है नहीं, कि 10 ml था कि 20 ml था, चाय बननी चाहिए, बहन दूध नहीं है, वो कह रही है पूरा डब्बा पड़ा हुआ लीटर का, खत्म हो गया दूध। मैं कह रही हूँ कल जो चाय बनी है जो एक डिब्बे में इतना था और जो मैंने खोला है आखिरी डिब्बा उसमें से थोड़ा सा लेता ऑलमोस्ट भरा हुआ डिब्बा था। अब ये कैसे पता चलेगा, नहीं चाय बन गई थी, मैं कहा ज्यादा 14 लोगों की चाय के अंदर आप एक कप तो यूज नहीं कर करें क्या होगा ना, 12 लोग, 12 लोगों के लिए हमने तो नहीं, पी यार नताशा छोटी इतना दिए, दो तो घुट चाय दिए यार, मग्गे भी नहीं दिए यार, छोटी है इस देची में। अच्छा मैं बताता हूँ, और पानी डाला है यार इसके अंदर, कितना पानी पतली चाय, हाँ चलो, और मैंने तो अपने अंदर कावा डाल दिया था क्वांटिटी के लिए, पूछो ही गवाह है आप, मेरी तो बची भी नहीं थी। ट्राई तो करो, मैंने अब सुनिए, जब आपके डाई लगा हुआ था और आपको अंदर जाना था वॉशरूम, आपने चूल्हे से कावा हटाया, कहा कि मैं आती हूँ आके सेट करती हूँ, यहाँ देखा तो पूरा टब्बर आके बैठ गया, चाय 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 चाय, तो मैंने क्या किया, दो डब्बे पड़े थे, एक डब्बा सील्ड था, मैंने आके मुशीर को और इनको वजीर को बताया कि ये डब्बा पूरा सील्ड है, लेट इट बी द सेम, उसको अंदर सुने मैंने उसको साइड रखा, जो खुला हुआ डब्बा था सिर्फ वो डाला, और आपका वेट कर रहा था कि आप आएंगी तो चाय निकालूंगा, आप आई, आपने फिर नया डब्बा दोबारा निकाला, सुन तो ले, पानी डाला वो मैंने नहीं देखा, मगर आपने नया डब्बा दोबारा निकाला, आपने कहा लोग बढ़ गए रहना, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पतली चाय ही कर रही हूँ इस तरह की, मगर हाँ दूध का नया डब्बा जो सील था वो भी खुला।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलेंस एंड वीट। आज इनको एक मैं नया टास्क दूंगा, जबरदस्त टास्क है, उसके अंदर ट्विस्ट भी है। और वो क्या ट्विस्ट होगा वो तो जब ये पढ़ेंगे जब इनको पता लगेगा। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता हो गया? लंच हो गया? लंच तैयार है? लंच नहीं हुआ बॉस। खुशबू अच्छी आ रही है जी सर। क्या बना आज? मैं भी आऊंगा और मिक्स सलाद बनाने लगूंगा, आपके यहाँ आके खाना भी पकाऊंगा, खाऊंगा भी, और फिर मुकाबला करेंगे कौन अच्छा खाना बनाता है, आप या मैं, ठीक है ना? चैलेंज यही है खुला आप सबको। तो आपको पता है कि रात को तो 1 लाख कट चुका है, आपके बार बार कहने पे भी नहीं आया मैं, क्योंकि वाकई में बड़ा अपसेट था। एंड वो तो कट गए, अब देखते हैं कि आप 24 लाख बचा पाएंगे अपने पास कि नहीं बचा पाएंगे, या और कट जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा और आपकी हरकत बताएंगी कि वाकई बचने चाहिए कि नहीं बचने चाहिए। उर्दू कौन अच्छा पढ़ सकता? आ जाए, समझाना है तरीके से, आइए। समझाने वाला अकल और किस्मत का उड़न खटोला। घर में इस वक्त 7 लोग ऐसे हैं जिनके सर पर खतरे की घंटी मंडला रही है। इस खेल से उनको मौका मिलेगा खुद को बचाने का। एक्टिविटी एरिया में इस वक्त एक उड़न खटोला मौजूद है जो आपको खतरे के घर से निकाल सकता है। बस आपको उस उड़न खटोले में अपनी नशिस्त पक्की रखनी है, क्योंकि जो उस उड़न खटोले पर आखिर तक बैठा रहेगा वो खुद को खतरे के घर से निकाल पाएगा। अब आपको वो नशिस्त मिलेगी कैसे? एक्टिविटी एरिया में इस वक्त 7 बैग मौजूद हैं। हर बैग पर एक एक फर्द का नाम लिखा है। सायरन बजते ही आपको अपने नाम का बैग पकड़ना है और अगले सायरन का इंतजार करना है। उड़न खटोले के चारों तरफ एक रस्सी लगी हुई है, आपको उस रस्सी के अंदर तभी जाना है जब दोबारा सायरन बजाया जाएगा। और दूसरी बार सायरन बजते ही आप उस उड़न खटोले की एक नशिस्त पर बराजमान हो जाएंगे। बराजमान हो जाएंगे क्या मतलब हुआ? बैठ जाएंगे। तीसरा बजर भी बजेगा जिसपे ये फैसला होगा कि सबसे आखिर में कौन सवार हुआ। अब ये कैसे पता लगेगा सबसे आखिर में कौन सवार हुआ? पढ़िए आगे वहां से। जो भी इस सवारी पर सबसे आखिर में सवार होगा वो इस खेल से बाहर निकल जाएगा और साथ साथ उसके हाथों से खुद को बचाने का मौका भी चला जाएगा। लेकिन ये खेल इतना भी आसान नहीं है। ये खेल तो खतरे के घर में मौजूद लोगों के लिए है, लेकिन उसको खेलेंगे घर के वो अफराद जो इस वक्त खतरे के घर से महफूज हैं। यानी अनसेफ लोगों की किस्मत अब सेफ लोगों के हाथ में है। अब ये आपकी अपनी अकल और सूझबूझ है। मैं ये बार बार रिपीट नहीं होगा, सुने। अब ये आपकी अपनी अकल और सूझबूझ है, आप उस फर्द का बैग उठाएं जिसको आप महफूज रखना चाहते हैं, या उसका बैग उठाएं जिसको आप खतरे के घर में ही रखना चाहते हैं। ये खेल दिन भर बार बार खेला जाएगा, हर बार बैग भी वापस रखे जाएंगे ताकि हर बार आपकी किस्मत किसी ना किसी नए फर्द के हाथ में आ सके। इस खेल से 7 में से कोई एक ही बच पाएगा। अब इम्तिहान एक और, एक पहला उतर गया, यानी पहले में तो आप लोग ये खुद ही डिसाइड करेंगे आपस में कि कौन सबसे आखिर में बैठा, आप उसको उतार देंगे। अब वो माने या ना माने वो ये भी ये उसकी मर्जी है, मगर वोटिंग होगी, जो वोटिंग के हिसाब से उसको उतारा जाएगा जो सबसे आखिर में बैठा है। जिसको आप उतारेंगे वो फिर आप सब पे हावी हो जाएगा, वो जज हो जाएगा। अगली बार फिर वो फैसला करेगा कि भाई आखिर में कौन बैठा है। अब एक और इम्तिहान जो इसमें नहीं लिखा, जो 6 लोग वहां बैठेंगे वो वहां बैठे रहेंगे जब तक अगला बजर नहीं बजता, आप लोग वहीं बराजमान रहेंगे। अब मैं वो बजर 1 मिनट में बजा दूं, आधे घंटे में बजा दूं, या बजे तो 3 घंटे बाद बजे, तो वह जाए जगह छोड़े
और वो अगर अगर कोई वॉशरूम जाना चाहता है इस दौरान या किसी को प्यास लगती है तो वो जा सकता है, तो वो मौका ले जाएगा जिसको वो बचाना चाह रहा है, उसकी किस्मत उसका बैग वो दे के जाएगा फिर। तो आप जिसको चाहें बचाएं, जिसको चाहें आप खतरे में डालें, हो सकता है वो आदमी आराम से जाए उठाता हुआ जाए इसको मुझे निकालना है, मगर आपको क्या पता उसके थैले में किसका नाम है। अच्छा हमें ये भी नहीं पता होगा। अकल और किस्मत का उड़न खटोला, घर में इस वक्त 7 लोग ऐसे हैं जिनके सर पर खतरे की घंटी मंडला रही है। इसको आसान कर लेकिन जो 7 लोग अनसेफ है ना, एक तरफ आ जाओ, आसान रहेगा। एक तरफ जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसा ना हो ना बजर बजे। जो अनसेफ है एक तरफ आ जाओ जल्दी से, मैं आसान कर रहा हूँ। नेहा इधर आओ, नेहा इधर आओ, नेहा इधर आओ, ठीक है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ रानी घर से बाहर हो जाए, मैं उसका बैग उठाऊं, कुर्सी बैठूं और बाहर निकल जाऊं। मैंने रानी को बाहर कर दिया, दैट्स माय चॉइस। बट देन अगर पहला आदमी ये बाहर गया तो ये पूरे गेम का जज रहेगा, अगली दफा ये जज करेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई। डोंट नो के बैग जिसका उठा रहे हैं उसमें किसका नाम है, इस पे लिखा हुआ है कि बैग का नाम, बैग पे नाम लिखा हुआ है, उन्होंने क्या बताया? अभी बताया कि अंदर नाम है, अंदर से कुछ और भी निकल सकता है। सुने अभी खत्म नहीं हुआ, प्लीज। ठीक है, यानी अनसेफ लोगों की किस्मत अब सेफ लोगों के हाथ में है। अब ये आपकी अपनी अकल और सूझबूझ है, आप किस फर्द का बैग उठाएंगे जिसको आप महफूज रखना चाहते हैं, या उसका बैग उठाएंगे जिसको आप खतरे के घर में ही रखना चाहते हैं। सब सेफ लोगों से तमीज से बात करें, प्लीज कन्विंस करें हमें। यस प्लीज अजान, प्लीज जुनैद, प्लीज आशा को बता दो क्या ये लोग, तुम्हारा नाम मेरे दूसरे स्कर्ट में नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ कि देखो अगर अगर मेरा बैग आपके हाथ में आ जाए, अगर आ जाए पायन बैठे रही, और अगर हम वहां बैठ जाए तो आके हर 2 सेकंड के बाद, क्योंकि देखिए जो जो लोग सेफ होते ना उनका मेंटल पीस एक अलग ही लेवल पे। एग्जैक्टली ऐसा ही पता है हमें, ये मुझे अंदाजा हो रहा है ऑनेस्टली, अंदाजा हो रहा है। और मैं बार बार अपने आपको कहता हूँ वो जो मैं भूखा रहा हूँ ना, वो जो मैं नहीं सोया हूँ, जाएंगे ना, और आप उन 4 में हो गए तो आप बोलोगे अब नैरो डाउन हो गया मामला। टेंशन नहीं लो, मेरी ना दिल पे लग रही है कुछ बातें, एनीवेज ठीक है यार। एक तुम अली सिकंदर से बात ना किया करो यार, उसने खुद ही पकड़ के सुना रहा है मुझे। तो आप ना सुनो, देखा मैं क्या करती हूँ जब दानिश सुना रहा होता है, मैं उसके मुंह में हंस के साइड पे लाइक घूम के चली जाती हूँ, क्योंकि मे बी देयर इज अ लेवरेज आई गेस दैट्स व्हाई। अगर तुम अनसेफ होती ठीक है, फिर भी तुम सुनती नहीं, सुनती ना, फिर भी तुम ऐसे करती नहीं करती, तुम कुछ नहीं नहीं केस ऐसे होती, बिकॉज़ अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं तक जाऊंगी। अगर तुम्हारे कार्ड्स किसी और के हाथ में मिलते तो फिर भी मुझे टेंशन नहीं होती, जो है वो है। इवन अभी हम जो सेफ हैं, हमें तो नहीं पता अगर हम रहेंगे या नहीं। उमर देखना, बचा सको तो बचा लेना प्लीज। मैंने कहा अगर मेरा बैग आए तो बचा सकते तो बचा लेना यार, वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसके पास जो भी आया ना ये अरुबा इवन दानिश नहीं, आई फील लाइक तो फिर बता देना, आई ऑनेस्टली फील लाइक, आई ऑनेस्टली फील लाइक मेरे अलावा, मैं फ्रेंडली प्ले, मैं जो भी होगा मैं उसको जितना हो सका एंड टाइम तक, आई फील लाइक आई विल सेव दैट पर्सन। और इसी ने जज करना, दानिश भाई बाहर रह गए, तुमने सही मूव किया, इट वाज द राइट मूव माय फ्रेंड, लेकिन कुछ पता नहीं अंबर वो तो उल्टा बैठ गया, ये उल्टे बैठ के जा रहे हैं। गुड यार, आप थोड़ा लेट पहुंचेंगे, आप उस तरफ देख रहे हैं। दानिश जी सर, तो आप अब इस खेल के जज हैं, और कौन गेम से आउट हो गया है उनका नाम बता दें आप। बैक पे जो लिखा हुआ है सर, अंबर खान। यार तुम बीच बीच में आ जाओ, हमारा बहुत दिल चाह रहा है तुम दोनों को अपने गोद में। मैं बैठा हूं बीच में। ज़ैनब क्यों बीच में आ जाओ, तुम तो मेरी मुर्शिद हो, मेरे साथ खड़ी हो। यार गुड चेक दानिश भाई, पूरे सीजन की आपने आप जाके अच्छी बात की है। अब एक बात, अभी पीछे भी अभी पीछे भी खाने वाली, हां खाने की भी दो अच्छा, दो बहुत अच्छा डिसीजन था कि जिसने खाना नहीं खाया तो फिर ज़ैनब आगे करेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, और अगर किसी एक ने कहा कि ये वो
तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। और अगर आपने कहा मैंने नहीं किया तो इनको खाना नहीं मिलेगा। ज़ैनब फाके क्या देगी? नहीं मेरे पास मेरे अपना मशीन है ना। ये लोग गिरा रहे हैं तो गिरने की बात तो नहीं की ना उन्होंने। वो आप बचे गिरा देंगे तो आप गिर ले आउट। यार उठो ना जिंदगी। अच्छा बाप बात सुन के गिरा दो। आप बैठे ही गलत हो मेरे तो। तुम उठ जाओ यार। क्यों भाई मैं गिर जाऊं? तो वो गिर गया तो ना, तो वो गिर गया तो नहीं गिरेगा वो। मैंने जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए वहाँ से उठो। अच्छा तुम चार निता बाहर हो जाए। उठ के आओ अंदर आए हैं उड़न कटोले में। तुम चार निता बाहर हो जाए। सीट से उठी आओ। तुम चार निता बाहर हो जाए है ना। मैं तो उसके लिए खेल नहीं आई। तभी तुम इसको कोने में बुला रही हो। सीट खेल रहा है ना उसके लिए। इसके लिए खेल रहा है। हाँ जी ये है गेम। अरुबा की गेम पकड़ी गई है ऐसा। अरुबा अरुबा दिस अ गुड डॉक्टर सिटिंग राइट हियर प्लीज गो सी। यार दो को तो गिरना चाहिए कंटेंट मिलेगा। देखो मैं गिर गई ना पहले दो तुम नजर नहीं आई गिरते हुए। तुम हमें गिरती भी नजर नहीं आई हो। थैंक यू फॉर सेविंग मी। मुझे अरुबा नहीं गिरी ज़ैनब गिरी है। तो ये तो आउट हो गई। नहीं नहीं नीचे भागते हुए आते हुए गिरी है। गिर तो गई ना पहले। अरे तो आप बैठे ही नहीं वो बैठ गई। मेरा सर्फ कहाँ गया फिर बीच में? तुम्हारा बैग ऐसे आदमी के हाथ में बैग गिर गया। बैग गिर गया। बैग गिरा है। बैग गिरा है। बैग गिरा है। मैं नहीं गिरी। बैग ऐसा कुछ नहीं कहा। बैग गिरा था। अदालत फैसला हो। नहीं बैग से क्या है? अच्छा एक सेकंड, अगर गिर गया तो उठाओगी कैसे? उठा दो मैंने पकड़ा हुआ। खुशी दिखा दो यार। हंस दो स्माइल। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे छोटे लड़के। तुम्हें हाथ से मालिश करूंगी। प्लीज जीत जाओ। अब रुको नेहा तुम उस नाइटमेयर के बारे में सोचो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। उस नाइटमेयर के बारे में सोचो। मैं उससे ज्यादा टेंशन में हूँ अभी। नहीं नहीं वो टेंशन बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। देखो गलत पंगा ना लो। ख्याल से मैं राने को लेके भागूंगा ना। गलत भागूंगा ना मेरे से रात हो जाएगा। राने तुझे वोट पड़ेंगे तू बेफिक्र जा। राने अभी अभी उतर जाऊंगा। खुशियों का था सफर सब यार संग तेरे कोई नहीं निराफिकर। सुख आया दुख खोया गम बन गया हम सफर। बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को सताती रही। वो यादें वो बातें जो हमको सताती रही। टेंशन लेना देना था।
मैं कह रहा हूं कि आप लेने बैठे रहेंगे बहुत बोझ यार हम लोगों के आगे तो पीटे भी हैं हम सारे देख सकते हैं मैंने तेरा गिर जाओ हां हां सही बात है एक्टिंग टेस्ट एक्टिंग तुम्हारा ऑडिशन लेते हैं गिर के दिखाओ गिरने का शॉट नहीं है वो तो तुम्हारा आंसर है तुमने गिरने नहीं है उसके बाद जो तुमने एक्ट करना है ना तो यार बता दो ना ताकि मैं तुम्हें पहले गिरा दूं मुझे नहीं गिरा सकते मैंने टांग फंसा लिया गिराऊंगा दो बंदे आगे सीट पे ऐसे बैठ गए तुम करीब भी नहीं आ सकती यार सुनो वो वाकई देखो हम ना हम अभी तो ऐसे बैठे हैं इधर सुनो मैं उसके बाद इधर सुनो मेरी मजाक कर रहे हैं भाई जीतते जीतते बैग ऐसे वही ना मैंने भी जब जाना होगा बताऊंगी नहीं देना धक्का तो आप लोग क्या कहते हैं क्या हमें बैठे रहना चाहिए या हमें उतर जाना चाहिए उड़न खटोला और किस किस कोर्ट जाना चाहिए किसको बैठे रहने और किसको किसको बचाना चाहिए किस किस को खतरे की घंटी से बचाना चाहिए हमें बचेगा सिर्फ एक लेकिन कोशिश करेंगे सब एक एक करके गिरने की आप सुने उसके पास पूरे इख्तियार आते हैं आप बैठ भी जाए ना तो वो बोल सकता है भाई मैंने नहीं देखा इसको बैठते उतारो उसको उतार देगा आपको वो तो शुक्र है उन्होंने कहा कि जज के पास इख्तियार आता है उसको बता भी दो तो वही सोचता रहेगा तो यार मैं उतार भी सकता हूँ क्या तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे जी यार आप धक्का देने वाले बने मैंने और जैनब ने गिर जाना नहीं गिर सकता मैं बीच में बैठा अरुबा क्या खुश रहो जा अरुबा जा अरुबा जिले की जिंदगी और फिर विलन बनना और फिर तमाशा हां और फिर ये एपिसोड में ये होगा स्लोमो स्लोमो अच्छा अरुबा ने गिरना भी नहीं उसने पैर बसाए हुए उसने अड़े टूट जाएगी हां मत देना मुझे धक्का कहां पैर बसाया दिखाओ ये औरन खटोले के ओ भाई ये ना करो मैं मजाक नहीं मुझे धक्का नहीं देना पहले तुम उससे आराम से बात करो उंगली नीचे कर लिसन एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हाँ, ये भी कर सकते हैं ऐसे भी तो करो थोड़ा सा खड्डे बहुत आगे बहुत खड्डे आ गए रोड पे गलत जगह आ गए हम लोग गलत रास्ते पे आ गए कोई नहीं गिरा नहीं थोड़ा सा और करता है थोड़ा सा और दो मिनट और कर हैं यार ये चीटिंग की गेम नहीं हुआ चीटिंग की गेम नहीं है देखो मैं रक्षा चला रहा हूँ पकड़ के बैठो रास्ता कहीं भी जा सकता है अच्छा अब बता के नहीं करूंगा मैं बता के कर दिया मैंने अब नहीं करूंगा बता के बस करो जो मर्जी अचानक से करूंगा देखो अब मुझे सच बोलना पड़ेगा देखो ये पहला राउंड अब खत्म हाउ यू रीड माय माइंड मैं आगे बढ़ लेता हूं आप कर लो पहले हां हम अभी बातें ना करें करो यार आपसे मैं कह रहा हूं तुम चुप के बैठ जाओ देखो ये गेम तब आगे बढ़ेगा जब हम में से कोई एक गिरेगा एक गिरेगा और काफी देर हो गई है तो मुझे लग रहा है किसी एक को गिराना चाहिए प्लीज बोर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 जी ले अपनी जिंदगी 1 2 3 यार मैं ये पानी से उतर के मैं मरूंगा उतर ही पहले नहीं उससे आप बैठिए मैं बीच में नहीं बैठा होता मैं गिर जाता क्या करूं बीच में बैठा बदल ले मैं और जुनैद बहुत फेक हो जाएंगे हम नहीं कैसे गिर जाऊं मैं पागल थोड़ी हूं रक्षा हिलाओ ना तो मैं धक्का दे अच्छा रास्ता हिलाओ भी और गिरूं भी मैं रास्ता हिलाओ मुंशी जी रास्ता हिलाओ भी और मुंशी जी रास्ता हिलाओ रास्ता हिलाओ भी और गिरूं भी अब तुम अगर यहां से गिर गई तो क्या होगा मैं नहीं गिरूंगी ओ तो वो पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रही रिक्शे की भाई मुझे तो कुछ और मैं क्या बताऊं ये देखो टांग पे लग जाएगी टांग पे लग जाएगी ये गाना नहीं गा सकेंगे यार वो अपनी गेम में है इस वक्त और एक्चुअली हम भी दिमागी तौर पे गेम में ही हैं
मी स्पेशली, मतलब यहाँ पे लड़कियों का तो यही हाल है कि वो भी साथ गेम में ही है। जरा सही रह गई है, आपको टांग में तो नहीं दर्द हो रही ना? लगी है चलो लगी है मुझे, फिर बैठ जाओ। गिर गई हो, गिराया है उन्होंने मुझे। ये देखो ये देखो जंगली बिल्ली, ये देखो नेहा तुम्हारे खातिर ये कैसे किया, गिराओ इनको आप बाहर है। खुले खुले नहीं बैठे अली भाई, 75% बैठे हैं। गल मुक गई, ए जड़ी गल मुक गई, उतर जाए भाई। तुम उधर जाके खड़े हो जाना, तुम वहां से बैठोगे ठीक है, और ये पीछे बैठेगा, मैं आगे बैठूंगा। कोई कहीं भी जाए, तुम अली भाई को ब्लॉक कर देना, मैं उसको ब्लॉक कर लूंगा। मुझे बैठना भी है। हाँ 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 बस ठीक है। हाँ सही है, वो मैं जगह वो कर रहा था। अभी वो अगर बोइंग हो तो कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। क्या हुआ? पहले फोन किया था। नहीं नहीं, लाइन पे तो बाहर ही खड़ा रहेगा ना, लाइन के लिए तो बजर बजेगा अंदर जाने के लिए। नाखून ना चबाओ। ये मेरे सामने गिर गई, रोल होती जा रही है, तो बैग लेने के लिए शुरू में तो ये गिरी है और मैं है? बाकी लोग कहाँ हैं? You can go sit. Oh नहीं 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 नहीं, my bad, confusion नहीं करो, my bad, sorry, confusion नहीं करो, sorry. बस मैंने I promise, ठीक है, अल्लाह ताला गवाह है, ठीक है, I try my level best, ठीक है, मैंने क्योंकि मुझे देखो I want to save both of you, ठीक है, but जुनैद ने कहा कि क्योंकि जुनैद भी इसका बैग उठा रहा था, ठीक है, और उमर भी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उमर ने कहा फिर मैं उठाता हूँ, फिर जुनैद के हाथ तो जो लगा उसने उठा लिया, तो मैंने यही बोला क्योंकि फजान ने बोला वो रानी का उठाएगा, सब ने अपने अपने बैग चूज किए, तो आई चूज योर बैग, ठीक है, बिकॉज आई नो, ठीक है, और मैंने पहली बार भी जब बाई चांस तुम्हारा बैग नीचे गिरा था, वो भी जैनब ने इनको के पीछे किया, जया गिर गया, ठीक है, मैं जो कर सकती थी इन लोगों ने मुझसे कहा तुम उठाओगे कैसे, उठा के दिखाओ, मैंने कहा ओके। तो ये बहुत इजीली हो सकता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, पता नहीं नताशा को क्यों बचाना चाह रहा हूँ। उनको अलायंस चाहिए, उनको अलायंस चाहिए, उनके पास टीम नहीं है, समझ रहे, और उनको पता है हमारी टीम में कोई सीन नहीं है उनका, तू पहले ही क्लियर कर चुका है, ऐसे ही ये चाहिए उनको। मुझे पता चल गया था अब जंगल इस तरफ भागेगा। इसके बाद गुड अली भाई, थैंक यू, पहले इशारों से मिल देना, मुझे समझ आ गया था कि ये इधर जाएगा। सुनो, इसने बाकायदा खतरा मोल लिया है, इंटेंशन ओके कर दी ना, अपने सामने कर दी, इसने अपनी इंटेंशन सामने कर दी कि मैं नताशा अली के अगेंस्ट हूँ, एक बात है। अब अगले गेम की बताओ मैंने क्या सोची, अभी हम सब बैठे रहेंगे, बाहर जाएंगे, वापस जाएंगे, मैं ये बैग उठाऊंगा, हाँ, और मैं दौड़ूंगा नहीं रिक्शे की तरफ, ठीक है,
और मैं बाहर खड़ा रहूंगा, आप लोग बाहर के बैठ जाइए। बोलूंगा भाई मैं नहीं वांट, आई डोंट वांट दिस। और आखिरी में मैं उठाऊंगा अच्छा दाने का और मैं बल्ली ले लूंगा। सैनिक के अमीर में बाहर है ये आखिर में तू रहने का बल्ली ले लेना। बिकॉज़ आपको अभी बल्ली मैं मुझे पहले जाऊंगा। रास्ते में क्या करें, रास्ते में थोड़ा सा करेंगे एक दूसरे के साथ। कोई नहीं मानेगा। नहीं, अगले में मैं इसको बाहर करूंगा। क्लियर क्लियर, आप जैसे भागे ना अभी, मैं भागूंगा आखिर में लाने को। क्लियर और अगले में मैं क्या करूंगा? ठीक है, अभी हम लोग पैसे उठाने दिखाई ना, अभी मैंने क्लियर दिखाई ना कि मैंने जिताना है उसको, उसको नहीं बाहर करना। अगले में जब हम बैग उठाने आएंगे ना, मैं उससे तुम्हें टेंशन कर लूं, मैं बैग उठाने भागूंगा। बस क्लियर, तो हम अगले राउंड भी खत्म कर देंगे ना। मैं तो भागूंगा ही नहीं। हां तुम दोनों लड़के ये बैठ जाएगा, दैट्स इट। नहीं तुम दोनों लड़के तुम बैठोगे, लेकिन तुम्हें बैग मिशेल का पड़ेगा। बैग तुम्हें मिशेल का चाहिए, इसको राने का चाहिए। ऐसे यानी मिशेल का मेरे पास ही है, आप ही के पास है ना, बस अगले में भी ना। खाना बनाने यार, डिनर भी बनाने हमने वाली ड्यूटी, तो दूसरे में ही खत्म करना है। दूसरे में खत्म नहीं हो सकता, एक और होना पड़ेगा। कौन होगा ना? क्यों? क्योंकि हम दो बैठ जाएंगे भाई। मैं बैठूंगा ही नहीं, आप दोनों वहीं लड़े और एक बंदा बैठ जाए, एक बंदा ना बैठे, वहीं गेम खत्म। राने कुछ भी नहीं है, अभी उतर जाऊंगा मैं। ये चले जुनेद, यस जुनेद, वैसे हमने बताओ हमने ज्यादा सीरियस लिया है, हमने ज्यादा सीरियस लिया है, पता ही नहीं है कि भाई किस लिए करेगा। अरे तुझे कम ऑन गेट आउट, नो नो फैजान, मुझे नहीं फैजान, फैजान मेरे मुंह से निकल गया फैजान, लफ्जों का इंतखाब गलत था, फैजान साइड इफेक्ट, लफ्जों का इंतखाब गलत था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उमर को धक्का दिया तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं कर सकता। उमर किसी को धक्का मार, यार तुम्हें इनसे बोलो मुझे लगे खाली है, अंदर नहीं आ सकता। मैं आ जाऊंगा फिर भी, भाई मैं दूसरी बना के दूंगी। सिप कर मत, ये भी भाई है यार, वो ही भाई। आप दोनों को बना दो, एक भाई को फजान, एक भाई होता ना दूसरा को बना दो, फिर भाई को बना दो। धक्का 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 धक्का, और चीज एंजॉय करने लगते हैं, डेली चाय, कपड़े भी प्रेस कर दूंगी, चाय पिलवाई, सफाइयां, पीछे जा दो, पीछे रुक जा, पीछे जा, नहीं गिरने दूंगा, नहीं उमर भाई चारा नहीं करूंगा, मुझे गिरना है, रुको मुझे गिरने दो, एक्टिंग करो, ये एक्टिंग नहीं करो, एक्टिंग नहीं करो, गिराओ गिराओ ये मुझे गेम, ये मुझे शो खत्म होने के बाद जब मैं इसको फॉलो करूंगी अपने हिसाब से, तो मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे कहां कहां डंप किया है, मैं रोक रोक के देखूंगी कहां कहां डिच किया है मैंने, वो तो मुझे देखने के बाद पता चलेगा ना, वहां पे तो बात नहीं छुपी हुई ना, और फिर उसके बाद ना तकिए में मुंह देके अपने आप को कहीं कि नताशा, मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि मैं, मुझे आपकी नियत पे शक नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोल दिया था। मैं तो मिशेल का जब चेहरा देख रहा हूं ना, उसको इतनी एक्सपेक्टेशन हुई है, शदीद हालत खराब हुई है उसकी पहली बार, नहीं हालत खराब नहीं, तो मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा भाई, मैंने उसको यही बोला है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैंने उसे यही बोला भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं लड़ूंगा आखिरी, हां हां
वो डिजर्व करती है यार, उसने बहुत जान मारी है दोनों। जो टास्क दिए उसे 110% दिए यार, वो यार वो टास्क भूख और नींद वाला था, उसमें उसके साथ जाती हो गई भाई, वो डिजर्व करता है, डिजर्व करता है। हां उस टास्क के अलावा उसने पूरी जान मारी थी यार, रो अकेली यार, मैं होता मैं गिव अप, हम लोग भी भागती रही है, वो करती रही है, लोगों को डिजर्विंग लोग आगे आना चाहिए। तुम लोगों ने प्लानिंग तो अपनी पूरी की हुई थी, ये तो सबको पता है ना कि किस जितवाना किसको, क्या ना इंसाफी होती है, मैंने ना इंसाफी का लफ्ज तो नहीं बोला, वो तो उन्होंने मुझे गिराया, मैं नहीं गिरती, मैं नहीं गिरती, ठीक है, एंड में हार जाती लड़कों से वो अलग बात, आई डोंट पिक अ फाइट, लेकिन मुझसे हो जाएगी ना तो बस फिर ता हयात रखूंगा मैं इससे। नाम उतर गए अब तो, सेम वही देख लो, वही मिशेल का हुआ मेरे पास तो वही, पक्का पक्का, बाकी घर वालों को तो कोई बुला के लाओ, गेम में ट्विस्ट आ गया, नाम उतर गए बैग्स में से, ये भी सही है, अब बोलो वही, ओके आई एम आउट, वही वही, तुम्हें अपनी जगह से ही बैग उठाया है या देख लो, एक काम करो, एक काम करते हैं, आओ गेम बनाते हैं, उमर कैच करो, कैच कर, अब देख लेना ठीक है, ये ले, ये लो, चलो फिर है, ये अच्छा ट्विस्ट है, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट है, हो सकता है कि बैग वहां के वहां आ चुके हो जो तुम लोगों ने पहले रखे थे, सेम सेम, गुड ट्विस्ट बॉयज, गुड ट्विस्ट, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा, हां वो अब डाउट ही नहीं है, लड़ाई का कोई पॉइंट ही नहीं है, नहीं मगर स्पीड स्टिल मैटर्स, डजंट बेबी, नहीं इट विल, अगर फर्ज करें व्हाटएवर व्हाटएवर, दो लोग इधर बैठे राणे, ये हमारे हमसे ऊपर चली गई गेम, वो तो मुझे लग रहा सेम वही बैग आ गए, लग रहा है मुझे ऐसा, तुम लोगों के पास सबके पास सेम बैग आ गए, फैजान मेरी फैजान, क्या पता है इसमें मिशेल और निदा का बैग हो, आई अंडरस्टूड, सुन रहे हैं एक सेकंड, मुझे नहीं खेलना उनके लिए, मैं क्यों भागूं, आई गॉट इट, समझ रहे, तो फिर क्या, तो इसलिए नाम हटा दिए उन्होंने, मैं क्यों बैठा रहा हूं भाई, इसलिए नाम हटा दिए, इसलिए नाम हटा उन्होंने यार, वो दिल लगा के नहीं खेले, फर्ज करें नहीं खेले, फर्ज करें आप नहीं खेल रहे, पता भी नहीं है कि इनके साथ, इसलिए अब पहुंचा, अब पहुंचाए, अब पहुंचा, ये करो शुक्रिया रानी, अब ये इस वजह से मैं ये सब कर रही थी, ये सलूट है बादशाह सलामत को, बादशाह सलामत को सलूट, बादशाह सलामत, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, क्या खेला है, व्हाट अ मूव, टॉप की गेम खेली है हमारा, टॉप की दानिश, जी सर, इस टास्क में आप सबसे पहले बाहर निकले थे, जी जी, तो आप इस खेल के जज भी करार पाए गए, आपको ये इजाजत दी जाती है कि ये जो आखिरी तीन बचे हैं इन तीनों में से किसी एक को आप ये इजाजत दे दें कि वो अपना बैग खोलकर जो अंदर नाम रखा हुआ है या लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, यार बादशाह सलामत, ओह माय गॉड, बादशाह सलामत, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ ट्विस्ट, अनबिलीवेबल, एक सेकंड हमारे वजीर अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं भाई, नाराज जाते हैं इस वजह से, अक्कड़ बक्कड़, चलो चलो करो करो, वो आउट होगा, नाम है भाई, मुझे तो नाम ही नहीं मिल रहा, मेरी आंखों में एक्सरे, नाम ही नहीं है, मेरी आंखों में एक्सरे नहीं है, अब बस ये बताओ हमारा गैस ठीक था या गलत, मैं तो आ सकता हूँ, मैं तो आ सकता हूँ, जज का तो दिखा दो, क्या हमें बता सकते हैं, देख लिया, हाँ देख लिया, क्या मतलब है, आंखें चार लगी हुई है, तो बता भी देना, बताना तो मना नहीं है ना, जज का बता, ये क्या था, वो उनका डिसाइडेड था,
तो ये खेले क्यों नहीं, ये क्यों नहीं खेला? उसको नहीं खेलना, नहीं खेलना उसने, उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है, उसको नहीं खेलना। पेट खराब है, क्या हुआ है? फैजान जी सर, जुनैद आप दोनों में से किसी एक को बैठना जरूरी है। ओ बैठना जरूरी है। दोबारा खेलेंगे क्या? आ जाओ फैजान, तुम आउट हो गए। तो ये बैग वो गले में नहीं डालेगा जो हार गया? फैजान तो अब आप बताइए आपके बैग में किसका नाम है जो इस खेल से बाहर हो? देखा नहीं था क्या पहले? देखा था, बता दो, सामने आके बताऊंगा। मैं अपना क्लियरेंस खत्म करूंगा। क्या नाम है? राणा सिंह। ओके, मेरे गार्डन आपके पास मेरा है। तीसरे स्विच में है, कोई बात नहीं, आपके आपके पास मेरा है। लाए ना मुझे दिमाग, बैठ सकते हो मेरे ख्याल में जुनैद, क्योंकि आपको क्या लगता है अली भाई? मिशेल, 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 गैस, निदा, निदा, मेरा भी निदा। उमर, आपके बैग में जिसका भी नाम है वो इस खेल का विनर है, यानी वो सेफ हो गया है। दिल थाम लीजिए दोनों का, खड़े हो जाओ ना, अच्छा लगेगा, खड़े हो जाओ। निदा मेरा ही है। ये थोड़ा सा ज्यादा था, ये थोड़ा ज्यादा, मिशेल, मिशेल, नाम बता दो, निदा, मिशेल, निदा, मिशेल। जुनैद तो अभी इतनी जल्दी तो ये कह रही है कि वो अपने बैग से अपने स्टेप से पहचाना है। उमर ने बोला मेरा इतना था, तो उमर ने उमर के पास जब आया ना, मैंने कहा उमर तेरा कितना स्टेप था? उमर कहते हैं मेरा फुल था। मैंने कहा देख ले इधर, तो आप लोगों ने स्ट्रैप से पहचाना? ये नहीं पहचान सके ना, वो ये कह रही है कि मैं कह रहा हूं नहीं पहचान सके, उन्होंने स्विच से इधर उधर पहुंचे, उन्होंने मुझे कुछ और कह दिया। क्या कह रही है? क्यों उन्होंने अपने स्ट्रैप से पहचाना? आप लोग नहीं समझे, ये गलत समझे। नहीं, अब यही काम करेंगे, अब हमें नहीं पता किसका बैग होगा, मेरे पास मिशेल का बैग होगा या मेरे पास किसका बैग होगा, आपको अब समझ आई है? अच्छा, मैं कुछ और उतर जाएंगे ताकि एक विनर तो होना, क्यों बैठे ने खामा खा में वहाँ पे? हमने यही सोचा कि जिसका भी बैग आ गया अब ये कर लेंगे। किस्मत है, हाँ, लक। बाकी तुम लोगों ने प्लानिंग तो अपनी पूरी की हुई थी, ये तो सबको पता है ना कि जितवाना किसको। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो देखने वालों को भी अंदाजा हुआ और हम सबको भी हुआ कि प्लानिंग हुई है बकायदा। अच्छा, तो अगर प्लानिंग हुई भी थी तो अभी मिशेल कैसे जीती? पहले तो प्लानिंग हुई थी, अंदर जाके नहीं 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 डिस्कस क्यों किया था? नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, अच्छा हमारी प्लानिंग फैजान आखिरी वाले राउंड से पहले आप लोगों की प्लानिंग हुई हुई थी। हाँ, अभी मिशेल कैसे जीती? घर वाले हमारे दे रही हूँ निदा, तुम हमें निदा कह रही है नेहा बहुत उदास है, अभी किसी और ने भी परेशान है, आपने भी बोला था ना। एक सेकंड, मेरे खत्म तो करने दो मुझे, कि सुना है मैंने कि आपके कोई बड़े प्लान्स थे वो विथड्रॉ करके आप इस शो में आई हैं और अब यहाँ आपके साथ ना इंसाफी हो रही है। क्या ना इंसाफी हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने ना इंसाफी का लफ्ज तो नहीं बोला, लेकिन मैंने लेकिन अच्छा आपने क्या बोला मुझे बताएं? मैंने ये बोला कि हाँ मैंने भी मेहनत की थी तो मुझे भी सेफ हो जाना चाहिए था इस वीक, बस ये बात है। ऑफ कोर्स वो तो लगता है ना, एज अ कंटेस्टेंट लगेगा ना, इट्स नॉट लाइक आई वाज लाइक हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी या ऐसा। और आप सोचिए कल अगर एक और टास्क आ गया जिसमें आप अपने आप को बचा सकते हैं तो? हाँ, इंशाल्लाह। कैसा महसूस कर रही हैं आप, मुझे ये बताएं। देखिए मैं बहुत अच्छा
बहुत लाइट लाइट फील कर रही हूँ मैं। I'm sure. वो अब आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है ना। माशाल्लाह, so congratulations. अब मैं खाना भी खाऊंगी आराम से। बिल्कुल, आपने उसको खाना भी नहीं खाया था, सही है? भी नहीं खाया था। And honestly, Michelle, you deserved it. Yeah, you do. You deserved it. Thank you. लेकिन अगर मैं ना भी आज होती, लेकिन तुमने मेरे दिल में एक और जगह बना ली है। जब कहा ना मुझे, तो मैंने कहा अब तो मैं जी यार कसम से अभी हमें मार रही थी। मुझे क्या पड़ी थी, मैं अपने आप को क्यों जख्मी करती हूँ। मैं उतरती, मैं कहती बस मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं कहती भाई बैग भाग के यहाँ से गए, जबकि मेरी टांगों में ऑलरेडी चोटें लगी हुई हैं। भाग के गई, मैंने बैग इसका उठाया, ठीक है, इसका बैग उठा कर मैं बैठी रही। वो तो उन्होंने मुझे गिराया, मैं नहीं गिरती, ठीक है। एंड में हार जाती लड़कों से, वो अलग बात थी, ठीक है। उन्होंने गिरा के गेम खत्म, जबकि इसका बैग गिरा तो उन्होंने कहा नहीं, अब बैग तो उठ के तुम्हें उठाना पड़ेगा, वो तो नहीं अंदर आके उठा रहे। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं गई पीछे, ठीक है। वो अच्छा था अदनान का कैमरा लेने का जो स्टाइल है, अंदाज है, हाँ, एडी का कैमरा लेने का जो अंदाज है वो है कि घुस जाओ बीच में और जो बात नहीं भी करनी कर दो, बिला वजह की बात कर दो, जिसका ना सर है ना पांव है ना यहाँ से मैच हो रही है ना वहां से मैच हो रही है, बस सुना दो। आपको पता है आपके पीछे में आपका नाम रखा हुआ है एक, वो कल तक आप तक पहुंचे जाएगा तो मैं खुद ही बता दू। मुझे भी क्या है, बताओ बता दो। मस्त मलंग। हाँ, आपने मुझे सुबह बता दिया था। अच्छा, हाँ आपने कहा था तुम तुम हो मस्त मलंग, तुम शर्ट से भी अब मस्त मलंग लग रहे हो। समझ के लड़ाई करना उससे, सर तुम भी वर्गो ही हो, तुम जानती हो, मैं घर छोड़ के आता हूँ फिर। मैं आई डोंट पिक अ फाइट, लेकिन मुझसे हो जाएगी ना तो बस फिर ताहयात रखूंगा मैं। बताओ हम फेक वाली फाइट कर रहे हैं सारे, हम फेक फाइट नहीं होती यार, फेक फाइट हंसी आती है मुझे। फाइट फाइट तुम तो खुद ही हंस दोगी। भंडारी राने करता है, राने फेक फाइट अच्छी है। एग्जैक्टली, मैं यहां बता दूं पॉजिटिव अंबर जी, आप इतनी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की ना इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं इस फॉर्मेट में लड़ाई की गेम है। शुरू में मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे नेहा दिमाग में बना के आई थी कि मुझे हर जगह लड़ाई करनी तो गेम अच्छा हो। उसने दो तीन दफा लड़ाई की, उसको अंदाजा हुआ तो लड़ाई का सीन ही नहीं हो रहा इधर, तो समझ रहे हैं। दूसरों का दिल, घर वालों का दिल जीतने के लिए जो अपनी एक आधी गेम आपने खुद लूज की है अपने हाथ से, यही आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते देते या दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते करते आप जीत जाएंगे। हो सकता है कि पब्लिक को यार ये बात अच्छी लगे, तो हो सकता है कि वो इस बात पे वोट कर दे। इट्स डिपेंड ऑन वोटिंग। अब मुझे ये नहीं पता कि आगे जाके जब बहुत कम लोग रह जाएं, अगर मैं इतना तक पहुंच जाऊं तो तब क्या होगा। तब तो बहुत धमाके हो रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही हफ्ते गुजरते रहते हैं। अभी तो आई थिंक बहुत अच्छा रिलैक्स एटमोसफेयर है, तो मैं ज़्यादा आगे जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो मैं उसके ऊपर अब भरोसा नहीं कर रहा ज़्यादा आगे जाने पे, तारी नहीं कर रहा अपने आप पे। मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ तो आगे जा सकता हूँ, लेकिन एंड तक बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी गेम्स चल रही हैं और पटाखे बजेंगे, तो मैं इससे बेहतर है कि मैं कुछ इस एक्सपीरियंस को जितनी देर तक एंजॉय कर सकता हूं, उसके बाद को थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, मेरे पास और काम है। और ये नहीं, वो आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना, वो तो आपको एलिमिनेट किया जाएगा तो ही आप अल्लाह हाफिज़ कह सकते हैं। इनका नाम ले दें इस दफा, अगर पूछा जाए किसको एलिमिनेट, मतलब आपको जब बादशाह सलामत जब अल्लाह हाफिज़ करेंगे तभी आप अल्लाह हाफिज़ हो सकते हैं। सही है, तो अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी इस स्ट्रेटजी इसके साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आपको बहुत स्ट्रेटजी, आप सिर्फ go with the flow नहीं कर सकते अगर आपको बहुत आगे जाना है, तो अगर आप बहुत आगे नहीं जाना चाहते। अच्छा, I think nobody is going with the flow. अच्छा, मेरा ये मुझे लगता है कि positive रहें, अपने task में आप भरपूर अपनी मेहनत करें, वैसे आप हर चीज में positive रहें। या उसमें जरूरी नहीं है कि मैंने अजीब हरकतें करके कैमरा ही लेना है, मैं अपने ही और मैंने घर में घुसने से पहले ही डिसाइड किया था कि जो मैं बाहर हूँ
मैं वही रहूंगी अंदर, मैंने कुछ अपने आप को चेंज exactly. क्योंकि मैं प्रिटेंड कर ही नहीं पाऊंगी, मैं वैसे भी नहीं करती। हम एक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन हम रियलिटी शो में एक्ट नहीं करेंगे। आप 4 दिन प्रिटेंड करते हो, आप 10 दिन करते हो, अचानक आपके अंदर से फिर एक टाइम आता है जब आपका अपना आप निकलता है, तो वो पहले दिन ही निकल आए, मुझे पता चल जाए लोगों को। मुझे लग रहा है सब यहाँ पे अपना अपना सही चेहरा ही दिखा रहे हैं फ्रॉम डे वन। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, डॉलिंस एंड वीट।